हे हेलो एवरीवन, मैं नाम है अर्पित। आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार, जब हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मेगा अनबॉक्सिंग ऑफ ओनो मैक्स पेंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे बॉक्सेस अवेलेबल हैं। ये गाइस मैक्सिमम बॉल पेंस है, एंड ये वो पेंस है जो आपको ईजिली अपने पास वाले शॉप पर मिल जाएंगे। ऐसे ओनो मैक्स के काफ़ी सारे और भी पेंस आते हैं, बट दीज आर सम पेंस विच यू कैन ईजिली गेट लोकली। तो स्टार्ट कर लेते हैं इन सभी पेंस की अनबॉक्सिंग से, एंड हम देखने वाले हैं कि क्या आपको ये पैकेट पूरा की पूरा लेने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, एंड इंडिविजुअली पेंस कैसे चलते हैं। तो वैसे हमारे पास सबसे पहले कुछ 10 रुपीज के बॉल पेन्स अवेलेबल हैं, तो वो है ओनोमैक्स का टॉप ग्रिप, अल्ट्रॉन नियो 2X, अल्ट्रॉन 2X एंड अल्ट्रॉन क्लिक। तो ये चार पेन है 10 रुपीज में। देन 20 रुपीज में हमारे पास अवेलेबल है ओनोमैक्स अल्ट्रॉन फ्यूजन ग्रिप 3X एंड ओनोमैक्स अल्ट्रॉन सॉफ्ट फील। एंड एट लास्ट वी हैव सम मेटल पेन्स, तो यहाँ पे हमारे पास है ओनोमैक्स केंट एंड ओनोमैक्स मार्कस। तो वही स्टार्ट कर देते हैं हमारे 10 रुपीज वाले बॉल पेन से। तो देखिए, सबको मैं एक निकाल लेता हूँ, इंडिविजुअल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ गया है टॉप ग्रिप, तो ये कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स दिखता है, एंड आपको मिल जाता है यहाँ पे 50 पेन्स फॉर 500 रुपीज। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे पेन्स। इसमें काफ़ी सारे ब्लू हैं, 3 रेड हैं, एंड यहाँ पे कुछ ब्लैक पेन्स अवेलेबल हैं। तो देखते हैं ये पेन कैसा लगता है। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। इसको रखते हैं साइड में। तो कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी अच्छी बात यह है कि ये जो ओवरऑल इसकी बॉडी में फील आ रहा है, ये काफ़ी रबराइज फील है। मतलब ऊपर रबर लगा हुआ है, तो काफ़ी ग्रिपी सा फील आ रहा है। तो ये ब्लू, रेड एंड ब्लैक हमारे पास इनके अवेलेबल हैं। इसकी बॉडी पर यहाँ पर ब्रांडिंग है ओनोमैक्स टॉप ग्रिप 0.7 mm लिखा हुआ है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ग्रूव्स, जिससे आप बेसिकली इसको ग्रिप कर सकते हैं। ये है इसका पॉइंट, इसको अनकवर करते हैं, एंड ये पेन कुछ ऐसा दिखता है, काफी अच्छा ग्रिपी सा फील दे रहा है पकड़ने में। इसे हम कुछ नोट भी करके देखते हैं कि कैसा ये चलता है। तो हेलो एवरीवन, ओके, चलने में ये स्मूथ लग रहा है मुझे, चलने में स्मूथ है। ओके, दिस इज ओनोमैक्स टॉप ग्रिप। ओके, इसका स्मच टेस्ट भी हम करके देखेंगे, स्मच कितना होता है ये। ओके, तो हल्का फुल्का, बहुत ही लाइट स्मच यहाँ पे हमको देखने को मिला है। इसका रेड भी अवेलेबल है, तो मैं इसको रेड को भी टेस्ट कर लेता हूँ कि रेड कैसा चलता है। दिस इज रेड एडिशन। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं रेड भी ठीक चला है, एंड ब्लैक भी अवेलेबल है, तो उसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। दिस इज़ द ब्लैक एडिशन। ओके, तो ब्लैक मुझे इतना ज़्यादा डार्क पिच ब्लैक नहीं लगा है, थोड़ा सा लाइट मुझे लगा। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे इसका जो ब्लू वाला वर्जन है वो सबसे ज़्यादा डार्क लगा। अगला पेन हमारे पास आ गया है ओनोमैक्स का अल्ट्रॉन 2X। तो अगेन इसका भी आपको जो प्राइस है वो देखने को मिल जाता है 50 यूनिट्स फॉर 500, मतलब वही 10 रुपीज़ वाला प्राइस है। इसको ओपन कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं अगेन ब्लू ब्लैक रेड पेन का कॉम्बिनेशन। तो अगेन 3 हमको रेड पेन देखने को मिले हैं, 11 हमको देखने को मिले हैं ब्लैक पेन्स, एंड बाकी सारे ब्लू पेन्स हैं। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ इनके एक एक पेन को, एंड देखते हैं कैसे डिफरेंस है इनमें। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों पेन कुछ ऐसे यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे बेसिकली इनका जो क्लिप है वो मेन डिफरेंशिएटर है, एंड अगर आप नीचे देखेंगे तो अगेन नीचे भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस कलर का पेन है। बाकी अगर मैं पूरे पेन की बात करूँ, इसका जो बॉडी है वो प्लास्टिक का है, यहाँ पर ब्रांडिंग है ओनोमैक्स अल्ट्रॉन 2X, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, मैट ब्लैक कलर में ये पूरा आता है। इसको भी आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ से इस टाइप की रिफिल आपको देखने को मिलती है। इसको भी इससे भी हम लिख के देखते हैं। ओके, तो ये बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर चल रहा है वो पहले वाले पेन से। मुझे ओनोमैक्स टॉप ग्रिप से ज़्यादा पसंद आया ये। तो दिस इज़ द अल्ट्रॉन, इसका स्मच टेस्ट भी कर लेते हैं, एंड ये भी लगभग सिमिलर स्मच हुआ है। इसका रेड वर्जन भी हम चला के देखते हैं। तो दिस इज़ द रेड एडिशन। हाँ, इसका रेड भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगा उससे। तो अब हमारे पास आ गया है ओनोमैक्स नियो 2X। तो अभी हमने अल्ट्रॉन देखा था 2X, अब नियो 2X है। तो यहाँ पे इस टाइप की कुछ पैकिंग आपको उसकी देखने को मिलती है पिंक कलर की। इसको हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन किया हमने, एंड यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के काफ़ी वाइब्रेंट सा कलर में पेन आता है। तो यहाँ पर आपको अगेन देखने को मिलेगा ब्लू ब्लैक, एंड आई गेस ये पिंक कलर है, पर होगा ये रेड आई गेस। यहाँ पे आपको रेड पेन 2 ही देखने को मिलते हैं, एंड ब्लैक आपको 11 पेन्स देखने को मिलते हैं, रेड मुझे यहाँ पे 2 ही दिखे। तो इस टाइप के ये पेन्स दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलग बिल्ड है इनका। यहाँ पे क्लिप सबका आपको वाइट मिलता है, बट यहाँ पे पेन की बॉडी ही आपको अलग कलर में मिलती है। तो ब्लू आपको मिलेगा स्काई ब्लू में, ब्लैक मिलेगा ग्रेइश कलर में, एंड रेड आपको मिलता है पिंक कलर में देखने को।
इनको आप ओपन करेंगे तो अगेन इसको भी आप ओपन कर सकते हैं अल्ट्रॉन 2X जैसे ही। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो दोनों सिमिलर ही पेन्स हैं, अल्ट्रॉन 2X एंड अल्ट्रॉन 2X नियो। नियो में बस आपको क्या है कि जो बॉडी कलर्स हैं वो आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं, एंड 2X में आपको पूरी बॉडी मैट ब्लैक मिलती है, बट यहाँ पे बॉडी कलर्ड मिलती है। तो आई गेस चलने में भी ये सिमिलर ही होगा क्योंकि रिफिल्स तो सेम ही यूज़ हुए हैं, बिल्कुल चलने में काफ़ी सिमिलर है। ओके तो दिस इज़ द नियो 2X। स्मच टेस्ट कर लेते हैं इसका। ओके तो ये भी हल्का हल्का स्मच होता है। यहाँ पे मुझे इसका रेड एडिशन और यूज़ करना है, इसमें कुछ डिफरेंस आता है क्या, बट मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। ओके सिमिलर ही है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ये लगा। तो अल्ट्रॉन 2X एंड नियो 2X में मेन डिफरेंस इज अबाउट बॉडी कलर, बाकी सब सिमिलर है। अब इस कैटेगरी के लास्ट पेन आ गया है जो कि है अल्ट्रॉन क्लिक। यहाँ पे तो अगेन 10 रुपीज का आपको पड़ता है पर पेन। इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 रेड 12 ब्लैक एंड बाकी के ब्लू यूनिट्स हैं। तो उसको हमने ओपन किया। ओके तो ये कुछ अलग ही पैकिंग में आता है, आप देख सकते हैं इस टाइप से कुछ ऊपर लगा हुआ है, इसको मैंने निकाल दिया है। तो दिस इज द अल्ट्रॉन क्लिक। इसके मैं बाकी वर्जन में निकाल लेता हूँ, बट यहाँ पे मुझे सारे ही ब्लैक दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? ओके ऊपर से ब्लैक है, अंदर से आप देखेंगे तो बॉडी में कलर चेंज मिलेगा। तो ये 3 रिट्रैक्टेबल पेन से कुछ ऐसे दिखती है, इनकी बॉडी ब्लू रेड एंड यहाँ पे ब्लैक हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक रबराइज ग्रिप, पकड़ने में कंफर्टेबल लग रहा है, बट मुझे इसका जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा फ्लिमजी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि खुलने पे देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा मुझे मैकेनिज्म लगा, आड़ा टेढ़ा हो रहा है ये। ओके बट क्लिक इज़ वर्किंग टोटली फाइन। यहाँ पे रेड मेरे पास है तो यहाँ आप देख सकते हैं। ओके इनसे हम यूज़ करके देखते हैं। ओके चलने में काफ़ी सिमिलर परफॉर्मेंस है, बट ये मुझे चलने में बाकियों से इतना अच्छा नहीं लगा। नियो 2X और अल्ट्रॉन 2X ज़्यादा बेटर चले थे। दिस इज़ द अल्ट्रॉन क्लिक एंड ये थोड़ा सा मुझे लाइट भी लगा। मज ये भी होता है, इसका रेड वाला और टेस्ट करके देखते हैं हम। ओके तो रेड भी काफ़ी इसका वीक है ना, रेड भी इसका काफ़ी मुझे वीक लगा। किस्मत टेस्ट करते हैं। ओके तो ये कुछ इस टाइप से चलता है। तो ओवरऑल मुझे ये वाला क्लिक एडिशन इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो गाइस ओवरऑल ये थे हमारे पास 10 रुपीज़ के सारे पेन्स यहाँ पे आ गए हैं। तो मुझे जो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो थे अल्ट्रॉन 2X। अगर आपको मैट ब्लैक एडिशन चाहिए तो अभी ले सकते हैं, या फिर कलर्ड बॉडी मुझे काफ़ी क्यूट लगी तो मैं इनके साथ जाऊँगा। तो ये नंबर 1 पे था, ये नंबर 2 पे था। बट अगर आपको सबसे अच्छा ग्रिप चाहिए, यहाँ पे रबराइज ग्रिप आपको चाहिए, प्लास्टिक ग्रिप स्लिप होता है, तो गाइस सबसे अच्छा ग्रिप आपको देखने को मिलेगा अगेन टॉप ग्रिप में, क्योंकि पूरी रबराइज बॉडी के साथ आता है। एंड यहाँ पे रिट्रैक्टेबल डिज़ाइन इसका था, बट मुझे ज़्यादा पेन पसंद नहीं आया। तो आप बेसिकली इन दो पेन के साथ जा सकते हैं। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है अल्ट्रॉन की तरफ से आने वाली 20 रुपीज़ की कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रॉन फ्यूजन ग्रिप 3X, कुछ इस टाइप की इसकी पैकिंग आती है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 20 पेन्स फॉर 400 रुपीज़, मतलब अगेन आपको मिलता है 20 रुपये का एक पेन। तो उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इसको हमें ऊपर से पुल करना पड़ता है एंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं 20 पेन्स। तो कुछ इस टाइप के आपको पेन्स देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, आपको सभी के सभी ब्लू पेन्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस टाइप की एक एक्स्ट्रा पैकिंग में आते हैं अंदर ये। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लू वाला एडिशन अवेलेबल है, ब्लू वाला पैक है। तो कुछ इस टाइप का ये पेन दिखता है, आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी लग रही है इसमें। डेफिनेटली 20 रुपीज़ का है तो काफ़ी फिनिशिंग दी गई है। यहाँ मेंशन है ऊनोमैक्स फ्यूजन, नीचे आप देखेंगे तो अल्ट्रॉन फ्यूजन ग्रिप 3X लिखा हुआ है। रबराइज बॉडी पूरी मिली है, यहाँ पे ग्रिप सेक्शन में भी काफ़ी अच्छा रबर का यूज़ किया गया है। इसको आप यहाँ से ओपन कर पाएंगे एंड यहाँ से इसकी रिफिल एक्सपोज हो जाती है कुछ इस टाइप से। इसे हम कुछ लिख के देखते हैं, तो इसकी कवरिंग मैं निकाल देता हूँ। ओके तो डेफिनेटली गाइस चलने में मुझे तुरंत ही डिफरेंस दिखा है। ये वाला जो पेन है ये काफ़ी डार्क है सारे 10 रुपीज़ के पेन के कंपैरिजन में, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये रिलेटिवली ज़्यादा डार्क है। तो दिस इज द फ्यूजन ग्रिप 3X। इसका स्मच टेस्ट भी हम कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे कुछ ऐसा ये पेन चला, आप देख सकते हैं रिलेटिवली सारे पेन्स के कंपेरिजन में आपको हल्का सा डार्क लगेगी, स्किन काफ़ी अच्छी मुझे लगी एंड स्मूथ भी था। यहाँ पे बेसिकली इस पेन की जो बॉडी है वो एकदम सिलेंड्रिकल है, तो अगर आपको ज़्यादा पतले पेन से लिखने की आदत है तो फिर वहाँ पे आएगा से थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि अगर हम 10 रुपीज़ से कंपेयर करें तो उससे बेसिकली थोड़ी सी ज़्यादा थिक आपको उसका जो डायमीटर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादा मोटा नहीं है बट नॉर्मल से हल्का सा मुझे ज़्यादा गर्थ लगा इसका। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट 20 रुपीज़ पेन पे जो कि है अल्ट्रॉन सॉफ्ट फील। तो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि भाई काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए ये। इसको ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस टाइप के पेन्स हमको देखने को मिलते हैं। बॉक्स को रखते हैं साइड में एंड यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का डिज़ाइन हमको देखने को मिला है ना। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे।
ओके, तो हमको कुछ इस टाइप का ये पेन देखने को मिलता है। अगेन ये जो पूरा बैरल है इसमें, ये पूरा बैरल ही पूरा रबराइज है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी एक उनोमैक्स की, कि उन्हें बैरल्स वगैरह पे रबर बहुत यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उनोमैक्स अल्ट्रॉन, ऊपर ब्लू शेड है 0.7, एंड ये एक रिट्रैक्टेबल पेन है। इसको आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से, एंड कुछ इस टाइप की रिफ़िल आपको देखने को मिल जाएगी, उनोमैक्स UM 5000 रिफ़िल। इसे भी हमने लिख के देखा तो गाइस चलने में ये मुझे डेफिनेटली बाकी पेन से डार्क लगा, पक्के मतलब बाकी 10 रुपीज़ वाले पेन से। तो दिस इज़ उनोमैक्स अल्ट्रॉन। ओके, तो स्मच ये हल्का सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेन्स, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्मच हल्का सा ज़्यादा हुआ है, बहुत ही लाइट। अगर बात करूँ इंक शेड की, तो इसका इंक शेड फ्यूजन ग्रिप 3X से भी ज़्यादा डार्क मुझे यहाँ पे लगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी भी पेन्स में से किसी भी टाइप का स्मेल मुझे देखने को नहीं मिला है। अक्सर बॉल पेन में स्मेल आती है इंक में, तो वो यहाँ पे इश्यू नहीं है। तो अब हमारे पास आ गए गाइस कुछ मेटल पेन्स फ्रॉम उनोमैक्स। तो यहाँ देख सकते हैं वी हैव मार्कस एंड कैंट। इनके और भी सारे पैक्स आते हैं, बट हमारे पास अभी ये दो अवेलेबल हैं। इनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये आपको देखने को मिल जाते हैं पेन्स, 6 पेन्स आपको मिलते हैं 420 रुपीज़ के। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको 6 पेन मिलेंगे 420 रुपीज़ के, मतलब एक पेन आपको पड़ जाता है 70 रुपीज़ का। तो भाई 70 रुपये का एक पेन है, एक एक करके अनबॉक्स कर लेते हैं इनको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे कैंट से। तो इस टाइप की इसकी पैकिंग है, आप देख सकते हैं जेटिंग टेक्नोलॉजी मेंशन है। ओके, तो इसमें भी जो रिफ़िल डलती है उनोमैक्स UM 5000 रिफ़िल। तो अगेन गाइस इसमें रिफ़िल सेम यूज़ होती है जो आपके सॉफ्ट फील में यूज़ हुई थी। तो देखते हैं अभी और खोल के, बाकी इसका आई गेस प्राइस ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये मेटल पेन है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी होगी, रिफ़िल सेम है। तो क्या हुआ, इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओके, इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर मुझे छोटे छोटे 6 बॉक्सेस और मिले हैं, तो मैं एक बॉक्स निकाल लेता हूं आपके लिए, इसको रखते हैं साइड में। यहां आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप की पैकिंग में ये आता है, काफ़ी शाइनी सी पैकिंग है। पीछे हमारा मेंशन है 70 रुपीज़ 1 यूनिट। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का पेन हमको देखने को मिलता है। शाइनी रेड पेन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसको मैं निकाल लेता हूँ, इसको रखते अलग। तो इनिशियल इंप्रेशन मेरे ये है कि इसकी बिल्ट मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, पकड़ने में काफ़ी स्लिम सा है, है ना। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, परफेक्ट आ रहा है मेरे हाथ में। मेटालिक ग्रिप है, पर इवन दो आई डोंट नो ये क्या मटेरियल है, तो पकड़ने में काफ़ी अच्छा ग्रिपी सा फील मुझे दे रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है मेरे हाथों से। ऊपर आपको क्लिप देखने को मिलेगा जहाँ उनोमैक्स मेंशनड है, एंड इसका देखते हैं कैसा साउंड है। ओके, तो रिट्रैक्टेशन भी इसका मुझे अच्छा लगा, एंड इसको ओपन करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपको अगेन मैंने जैसे देखा बताया था आपको सॉफ्ट फील वाली ही उनोमैक्स 5000 रिफ़िल देखने को मिलती है। तो जो इंक क्वालिटी होती है तो वो तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको इन दोनों में इंक क्वालिटी या फिर लिखने की क्वालिटी तो सेम ही मिलेगी। बस यहाँ पे क्योंकि ये मेटालिक पेन है तो आपको इन हैंड फील और ड्यूरेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। अब हम इसे लिख के देखते हैं। तो देखिए रिफ़िल भले ही सेम हो जो 20 रुपये वाले पेन में आता है, बट यहाँ पे जो इन हैंड फील है वो भी काफ़ी मैटर करता है ना, कि ओवरऑल क्वालिटी कैसी है यहाँ पे। तो इससे देखता हूँ कि कुछ एक्सपीरियंस में चेंज है कि नहीं। ओके, तो काफ़ी स्लिम सा मुझे ये फील दे रहा है, एंड इवन तो सेम है बट यहाँ पे मेरी राइटिंग चेंज है, मतलब जो सॉफ्ट फील से राइटिंग आ रही थी या इससे जो राइटिंग आ रही है उससे मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा है। इससे मेरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है, है ना। पेन की बॉडी से भी आपके राइटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है, आप सब जानते ही होंगे ये चीज़। एंड ये कुछ इस टाइप का, तो इंक तो सिमिलर ही है बट डेफिनेटली गाइज यहाँ पे उसका जो ओवरऑल ग्रिप है, जो फील है वो ज़्यादा बेटर है। एंड मेटेलिक पेन अगर आप चाहते हैं फॉर ऑफिस के लिए देन यू कैन कंसिडर दिस, बट इसका जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ है। आते हैं हमारे नेक्स्ट पेन पे जो है उनोमैक्स मार्कस। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें रिफिल यूज़ होती है UM 3000 रिफिल। ओके, तो रिफिल इसमें चेंज है, देख लेते हैं क्या डिफरेंस आता है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, ओपन ही है ये, तो इस टाइप से ओपन कर लेना है। एंड अगेन आपको यहाँ पे 6 पीस देखने को मिलेंगे। इसको मैं निकाल लेता हूँ, एंड यहाँ पे अगेन इस टाइप की शाइनी पैकिंग है। तो कैंट में भी सिमिलर पैकिंग ही हमको देखने को मिली थी। इसको मैं ओपन करता हूँ। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पेन आपको देखने को ये मिलता है। इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो दिस इज़ द उनोमैक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का मेटालिक डिज़ाइन है, यहाँ पे ये एक रबराइज ग्रिप है। तो दिस इज़ द उनोमैक्स मार्कस। ओके, तो स्मच टेस्ट इसका हम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये हल्का हल्का स्मच होता है।
पेट्रोल स्पेंस में जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा इसके डिज़ाइन वाले फैक्टर में। यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है, यहाँ पे मैं सिल्वर दिखाता हूँ बेटर देखेगा, वो बेसिकली यहाँ पे जो ये डॉटेड रबर ग्रिप है काफ़ी यूनिक है, इससे आप काफ़ी अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि अगर आप जैसे कैंट को देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर मेटेलिक है, अगर आपके हैंड स्वेटी हैं तो यहाँ पे स्लिप हो सकता है आई गेस, बट यहाँ पे क्योंकि रबराइज ग्रिप आपको एक एक्स्ट्रा देखने को मिली है तो वो पकड़ने का फील थोड़ा सा अलग है। बट हाँ, यहाँ पे क्योंकि रबराइज थोड़ी सी हार्ड है तो आपकी इस वाली फिंगर पे जहाँ पेन को रेस्ट करते हैं वहाँ पे थोड़े थोड़े मार्क्स आ सकते हैं। तो गाइस ये थे हमारे पास उनो मैक्स से आने वाले सारे पेन्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पेन्स आज हमने आपको दिखाए, तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सा वाला पेन आया है एंड उसका क्या रीज़न है। आप हमको गाइस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हैंडल स्टूडेंट डैड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे भी काफी सारी स्टोरीज पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं मिलने वाला हूँ आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देख सकते हैं हमारा ये ऊपर वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि सेल्फ स्टडी करने का सही तरीका क्या है एंड क्या स्टेशनरी आपको लेनी चाहिए जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। नीचे आपको देखने को मिलेगा मेरा पर्सनल पेंसिल केस जिसमें मेरी सारी सप्लाईज है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलने वाला हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।